नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी सरदार के बहाने सरकार की सियासत की, स्टैचू ऑफ यूनिटी के विरोध की, जानेंगे कि आरबीआई में क्यों मची है खलबली, रफाल पर कैसे बढ़ाई सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की परेशानी और आखिर में बात बीजेपी को साथी की धमकी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजा कानूनी नोटिस, रविशंकर प्रसाद ने बिच्छू वाले बयान को लेकर थरूर पर की थी विवादित टिप्पणी। आम्रपाली समूह के निदेशकों की दीपावली होगी काली, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के सीएम डी अनिल शर्मा के दीपावली पर घर जाने की याचिका की खारिज। रिश्वत कांड के आरोपी सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को बड़ी राहत, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने देवेंद्र कुमार को दी जमानत, 50,000 के निजी मुचलके पर मिली राहत। कल दिल्ली आ रहे हैं आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात, महागठबंधन पर हो सकती है चर्चा। मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 551 अंक चढ़कर 34,442 पर हुआ बंद, निफ्टी 188 अंकों की बढ़त के साथ 10,387 पर पहुंचा। और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज का आखिरी वनडे कल, 2-1 से आगे है भारत, सीरीज जीतने के लिए अंतिम मैच जीतना जरूरी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। प्रतिमा के लोकार्पण के बाद हेलीकॉप्टर से इस पर फूल भी बरसाए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित कर पटेल की प्रतिमा बनाए जाने की आलोचना कर रहे लोगों पर भी जमकर हमला बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाए जाने को लेकर मोदी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। कांग्रेस समेत तमाम दल आरोप लगा रहे हैं कि 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाकर मोदी सरकार विरासत पर सियासत कर रही है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी भी बीजेपी के महापुरुष नहीं थे, लेकिन आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना बना रही है। वहीं साथ ही साथ सूबे में नाराज चल रहे पटेलों को साधने की कोशिश भी कर रही है। इन तमाम आरोपों के बीच आज पीएम मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। साथ ही वॉल ऑफ यूनिटी और पर्यटकों के लिए बनी टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित कर पटेल को नमन करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पटेल के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। जनसभा में प्रधानमंत्री ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि आज कुछ लोग हमारी इस मुहिम को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी हमारी आलोचना होने लगती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है मानो हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। पीएम ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को बांटने वालों को जवाब दें, इसलिए हमें हर तरह से सतर्क रहना होगा, समाज के तौर पर एकजुट रहना है। जाहिर है कि यहाँ पीएम मोदी का इशारा कांग्रेस की तरफ था। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने मोदी सरकार को घेरते हुए इसे चुनावी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, हमने हमेशा उन्हें विशेष सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इंदिरा गांधी की सियासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है, इस काम में पीएम मोदी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्तर पर अहम भूमिका निभा रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कर जहां सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष के साथ साथ आदिवासी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। आज इसके खिलाफ आदिवासियों ने नर्मदा जिले में जगह जगह प्रदर्शन किया। आदिवासियों ने जहां इसके विरोध में बंद बुलाया, तो वहीं कार्यक्रम स्थल के पास काले गुब्बारे भी हवा में छोड़े। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर रहे थे, उसी दौरान आदिवासी समुदाय नदी के पास टायर जलाकर स्टैचू ऑफ यूनिटी के अनावरण का विरोध कर रहे थे। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची प्रतिमा आदिवासियों और किसानों की जमीन का अधिग्रहण करके बनाई गई है, जिसे लेकर इनका गुस्सा चरम पर है। इसलिए आदिवासियों ने पहले ही कार्यक्रम के विरोध का ऐलान कर दिया था, लेकिन आज जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी कार्यक्रम की तरफ बढ़ने लगे, पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद इन लोगों ने नदी के पास ही प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान काले गुब्बारे भी आसमान में छोड़े। मैं इसके विरोध में आज राजपीपला बाजार भी बंद रहा। बंद के दौरान आम दिनों में भरे रहने वाली सड़कें सूनी पड़ी रही, जबकि विरोध में कई जगहों पर लोग तख्ती लेकर प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए।
आपको बता दें कि आदिवासियों के प्रदर्शन से पहले कल अहमदाबाद के कुल 22 गांव के लोगों ने खून से पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का विरोध किया गया था। गांव वालों का आरोप है कि पटेल की मूर्ति के लिए सरदार सरोवर डैम पर बहुत तोड़फोड़ की गई, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद आज आखिरकार विशाल प्रतिमा का उद्घाटन कर दिया गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कर सरकार ने सियासी पारा गरमा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सरदार के बहाने आज सरकार को घेरा और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक में भी सरकार पर हस्तक्षेप के आरोप लग रहे हैं। आज भी दिनभर ऐसी खबरें चलती रही कि उर्जित पटेल की शक्ति को सीमित करने के लिए सरकार ने RBI एक्ट के सेक्शन 7 का इस्तेमाल किया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शायद RBI गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन मामला हाथ से जाता देख वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि केंद्र सरकार RBI की स्वायत्तता का पूरा सम्मान करती है। RBI और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसे बीते हफ्ते RBI के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने जग जाहिर कर दिया था। आचार्य ने कहा था कि अगर केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता से समझौता हुआ तो उसके गंभीर नतीजे होंगे, इससे पूंजी बाजार में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। विरल ने इशारों इशारों में बता दिया कि वित्त मंत्रालय RBI से कुछ ऐसा चाहता है जो संभव नहीं है। विरल के बयान के तुरंत बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने RBI पर बड़ा हमला बोलते हुए NPA की समस्या के लिए उसे दोषी ठहरा दिया था। जेटली ने दावा किया था कि 2008 से 2014 के बीच देश के बैंकों ने बड़े स्तर पर कर्ज देने का काम किया। इस दौरान रिजर्व बैंक आंखें मूंदे रहा और उसने पूरी प्रक्रिया की अनदेखी की। सरकार और RBI के बीच जारी टकराव में विपक्ष भी कूद पड़ा और राहुल गांधी ने तो केंद्र सरकार के आगे ना झुकने पर उर्जित पटेल की तारीफ ही कर दी। सरकार पर हमले की कमान आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने संभाली। चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने RBI एक्ट के सेक्शन 7 को लागू कर दिया। अगर सरकार ने एक सेक्शन को लागू किया तो आज और भी बुरी खबर आ सकती है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हमने ना ही 1991 में, ना 1997 में और ना ही 2008 और 2013 में इस सेक्शन को लागू किया था। इस प्रावधान को अब लागू करने की क्या जरूरत? ये कदम दिखाता है कि सरकार इकोनॉमी को लेकर कुछ तथ्य छुपा रही है। विपक्ष के हमलावर तेवरों के बाद सरकार की ओर से सफाई आई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि RBI अधिनियम के तहत इसकी स्वायत्तता शासन के लिए जरूरी है, सरकार इसका सम्मान करती है। सरकार और RBI दोनों की कार्यप्रणाली लोकहित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 7 को लेकर अभी तक रुख साफ नहीं हुआ है। यदि सरकार ने इसे लागू किया तो RBI गवर्नर के अधिकार काफी सीमित हो जाएंगे और सरदार के निर्देश को मानना RBI के लिए आवश्यक हो जाता है। इस सेक्शन का इस्तेमाल स्वतंत्र भारत में अभी तक नहीं हुआ था। अब देखना यह होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट। CBI के बाद अब RBI में भी खलबली मची है, जिसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वैसे रफाल विमान सौदे को लेकर भी सियासत गर्म है। आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब विपक्ष लगातार मांग रहा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो 10 दिनों के भीतर विमान की कीमत, इसके लाभ और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया का विवरण बंद लिफाफे में दे। रफाल विमान सौदा मोदी सरकार के गले की वो हड्डी बन गया है जिसे सरकार ना तो उगल पा रही है और ना ही निगल पा रही है। इस मामले को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं BJP के बागी पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और वकील प्रशांत भूषण ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इन्होंने संयुक्त रूप से रफाल विमान पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को रफाल विमान सौदे का ब्यौरा सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि रफाल विमान सौदे में कीमत से जुड़ी विस्तृत जानकारी बंद लिफाफे में जमा कराई जाए। मोदी सरकार 10 दिनों के भीतर विमान की कीमत, इसके लाभ और ऑफसेट पार्टनर चुनने की प्रक्रिया का विवरण बंद लिफाफे में दे। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने भारत और फ्रांस के बीच हुए रफाल विमान सौदे में अनिल अंबानी के अनुभवहीन रिलायंस डिफेंस को रफाल का निर्माण करने वाली कंपनी दसौ के साथ पार्टनर बनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। साथ ही कम कीमत वाले विमानों को ज्यादा में खरीदे जाने का आरोप लगाते हुए इसे घोटाला करार दिया था। वह मामले की अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट। रफाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछकर सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन जहां सरकार की परेशानी बढ़ी है तो वहीं जजों की कमी से जूझ रहे सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही उच्चतम न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 4 हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र से की है।
सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एम आर शाह और त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय रस्तोगी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केंद्र से की है। कॉलेजियम के प्रस्ताव के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जजों के 31 पद हैं। फिलहाल 24 जज काम कर रहे हैं जबकि 7 पद खाली हैं। यदि केंद्र सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में भी शीर्ष अदालत में जजों के 3 पद खाली रह जाएंगे। हम आपको बता दें कि देश के तमाम अदालतों में जजों के खाली पदों को लेकर 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। शीर्ष अदालत ने इस पर सभी 24 हाई कोर्ट और राज्यों से जवाब मांगा था। निचली अदालतों में 5,000 से ज्यादा पद खाली हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की कमी का मुद्दा काफी वक्त से गरमाया हुआ है, जिसे लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका अक्सर आमने सामने रहते हैं। वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी काफी वक्त से अटका हुआ है, जिसे लेकर सियासी बयानबाजी का दौर तेज है। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि वो दिवाली पर खुशखबरी लेकर अयोध्या जाने वाले हैं। वहीं इस मामले में संघ प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने भी बड़ी बात कही है। दशकों से लटका राम मंदिर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर कोर्ट अगले साल जनवरी में सुनवाई करेगा। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि अयोध्या की विवादित भूमि पर राम मंदिर बनेगा या नहीं। लेकिन लगता है कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं का सब्र टूटता जा रहा है, तभी तो वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिसने सियासी हलचल तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो जल्द ही दिवाली पर खुशखबरी लेकर जाने वाले हैं। दरअसल सीएम योगी से अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई टाले जाने पर सवाल पूछा गया था। इस पर योगी ने कहा कि यह हमारे लिए दुख की घड़ी है, जनभावना का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन अध्यादेश मामले पर हमें धैर्य रखने की जरूरत है। वहीं इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए यह भी कहा कि वो दिवाली पर अयोध्या में खुशखबरी लेकर जाने वाले हैं। योगी ने कहा कि जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। अब सीएम योगी अयोध्या को क्या खुशखबरी देंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। एक तरफ जहां योगी ने ये बयान देकर खलबली मचा दी, तो वहीं संघ प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने भी ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार को चाहिए कि राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कर काम शुरू कर दे और राष्ट्र के गौरव को बहाल करे। आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर बयानबाजी हो रही है, जिस पर पिछले दिनों अमित शाह ने कहा था कि सरकार पहले कोर्ट के फैसले को देखेगी, लेकिन अब कोर्ट की सुनवाई टलने के बाद सरकार क्या फैसला लेती है यह भी देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात बीजेपी को साथी की धमकी की। आगामी चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी खुद को मजबूती देने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सहयोगी उसे आंख दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लगातार योगी सरकार को निशाने पर ले रही है, और इस बार तो पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा बसपा को लेकर भी बड़ी बात कही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वैसे तो अक्सर अपनी ही सरकार को कोसते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने बीजेपी के सामने ऐसी शर्त रख दी है जो पार्टी की परेशानी बढ़ा सकती है। चेतावनी भरे लहजे में राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी ने उन्हें लोकसभा की सीट ऑफर नहीं की तो वह अगले साल होने वाले आम चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर एसपी बीएसपी एक साथ आ गए तो बीजेपी के लिए 10 सीटें जीत पाना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बावजूद यहां बीजेपी हारेगी। राजभर ने कहा कि जनता ने बीजेपी शासन को देख लिया, मोदी सरकार ने नोटबंदी जीएसटी जैसे फैसले लेकर जनता का बंटाधार कर दिया, ऐसे में लोग अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में एसपी बीएसपी गठबंधन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। वहीं इस दौरान राजभर ने अति पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की वजह से 2017 के विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ी जातियों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। उनकी पार्टी के प्रयासों की वजह से ही बीजेपी पूर्वी यूपी में 125 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी। ऐसे में अगर बीजेपी दोबारा जीत हासिल करना चाहती है तो उसे हमारी शर्त मान लेनी चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।